दोस्तों आखिरकार पाई की लिस्टिंग डेट आ गई है और सबसे पहले हमारा चैनल ही इस अपडेट को कवर कर रहा है, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले कि हम आपको डेट के बारे में बताएं, सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें हम आपको क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाई नेटवर्क को लेकर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल रहा है। लोगों की केवाईसी की समस्या हो या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे करके सभी लोगों को केवाईसी का स्लॉट मिल रहा है और पेंडिंग केवाईसी भी क्लियर हो रही है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या वो किसी भी तरीके से अपनी केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए पाई के डेवलपर्स ने एक फॉर्म सबमिशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसीलिए अगर आप भी अपनी केवाईसी नहीं कर पाए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी समस्या को उस फॉर्म के जरिए पाई की टीम तक पहुंचाइए और लिस्टिंग से पहले केवाईसी पूरा करवा सकते हैं आप, ठीक है। और पिछली वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की तरफ कि आखिरकार कब हो रही है पाई की लिस्टिंग, डेट्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द फाइनेंशियल एडवाइजर। और मेरा गोल तो आप सभी को पता ही है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्या दोस्तों, करीबन एक हफ्ते पहले हमारे साथ एक स्कैम हुआ था जिसको लेके पूरी की पूरी टीम काफी परेशान थी। जी हाँ, हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी यार। हालांकि हमने स्कैमर्स को तो पकड़ लिया, लेकिन अभी भी उनसे पूरी रिकवरी नहीं हो पाई थी और यही वजह है कि जिसके कारण मैं या मेरी टीम पाई को लेके अपडेट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो स्कैम भी क्लियर हुआ और फिर कल हमारी टीम ने पाई को लेके डेवलपर से बात करना शुरू की, जिस बीच हमें इनके एक मॉडरेटर से बात करने का मौका मिला और ये साफ हुआ कि पाई की टीम किसी भी हाल में मई के आखिरी तक केवाईसी और दूसरी समस्याओं को दूर करना चाहती है और इसके बाद अगले महीने यानी कि 26 जून को पाई नेटवर्क को एक साथ काफी सारे एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना चाहती है ताकि प्राइस मैनिपुलेशन कम हो। मॉडरेटर ने बताया कि अप्रैल से भी सभी एक्सचेंज से बात करना शुरू हो जाएगी और जिसके बाद एक एक करके सभी को एप्लीकेशन सेंड किया जाएगा और जैसे जैसे उनका रुझान आएगा वैसे वैसे लिस्टिंग कंफर्मेशन की डेट एक्सचेंज के साथ भी शेयर कर दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे भी करके इस काम को अप्रैल से मई के एंड होने तक खत्म कर लेना है ताकि 26 जून को लिस्टिंग कन्फर्म हो सके। हालांकि हमको पता चला है कि हुबोई ग्लोबल, ओकेक्स और कूकॉइन जैसे एक्सचेंज तो पाई की फेक लिस्टिंग पहले ही कर चुके हैं। जी हाँ, इसलिए देखने मजा आएगा कि क्या पाई की टीम इनसे भी बात करेगी या फिर इनको इस रास्ते से हटा देगी ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने में। खैर जो भी होगा उसके लिए आपको हर बार की तरह समय पर अपडेट कर दिया जाएगा, इसीलिए आपको इसको लेके बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उस फॉर्म को जरूर भरकर अपनी समस्या के बारे में पाई डेवलपर्स को जरूर बता दें ताकि आप समय रहते अपनी केवाईसी कर सके। दोस्तों इस बीच एक और जरूरी बात, हमारी टीम की नजर एक खास ट्वीट पर पड़ी थी जिसको शायद हमने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर देखा था और हमारे ही किसी सब्सक्राइबर ने उसको शेयर भी किया था। उस ट्वीट में पाई के एक मॉडरेटर का जवाब था कि अगर किसी व्यक्ति के पास या उसके वॉलेट में जरूरत से ज्यादा छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस देखे गए या हमें पता चला कि उसने किसी तरह का स्कैम किया है तो उसका अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये बात हकीकत है क्योंकि हमारी जानकारी में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पाई चैन मॉल से कई सारे पाई का लेन देन चीजों को खरीदने और बेचने के लिए कर रहे थे और अभी 5 दिन पहले ही उनका अकाउंट बैन कर दिया गया और उनके पास जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपके अकाउंट में छोटे छोटे कई सारे ट्रांजेक्शन देखे गए हैं जिससे लगता है कि आप पाई माइनर से किसी तरह का स्कैम करके उनसे ये पाई कॉइन लूट रहे हैं, इसीलिए आपके अकाउंट को बैन किया गया है। दिक्कत की बात यह है कि उसमें अपनी बात रखने के लिए किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट या फिर रिप्लाई का बटन या ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं आपको सावधान रहने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप भी ऐसे ही किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा है तो फौरन इसे बंद कर दीजिए। पाई को पता है कई सारे स्कैमर्स लोगों के साथ स्कैम करके पाई को लूट रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि जरूरी नहीं कि आप पाई चैन मॉल का हिस्सा हो तो ही आपका अकाउंट बैन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अलावा आपके अकाउंट में पाई आते जाते रहते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है जो कि किसी भी लिहाज से आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए कोई भी रिस्क ना लें। अगर आपको कोई अपने अकाउंट में पाई देने या लेने की बात करता है तो आप उससे दूर रहें। हालांकि आप थोड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन रेगुलर ट्रांजेक्शन से बचें क्योंकि AI इस बात को नोट कर लेता है कि आखिरकार ये पाई वॉलेट में आ रहे हैं और उसका सोर्स क्या है। क्योंकि मान लीजिए आप स्कैम नहीं कर रहे लेकिन जिसने भी आपको ये पाई भेजा है वो आपके साथ स्कैम कर रहा हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसके अकाउंट या यूजर नेम या उसके वॉलेट एड्रेस को रिपोर्ट करता है तो उससे हुए सारे ट्रांजेक्शन को भी AI देखेगा और एट द एंड हो सकता है कि उनको भी बैन कर दे। उम्मीद है कि आपको बात ठीक से समझ में आ रही होगी।
तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही जरूरी अपडेट, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जारी रखिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ।